शॉर्ट फिल्म जो मोबाइल फ़ोन की जनरेशन है, मैं सिर्फ यंगस्टर की बात नहीं कह रहा हूँ, हम सब जो मोबाइल फ़ोन पर रहते हैं, उससे याद आया मेरा मोबाइल फ़ोन और चश्मा मैंने अंदर छोड़ दिया ये मोबाइल फ़ोन कहते ही अपना याद आ गया। सो हमारा 5-10 मिनट से ज़्यादा का टेंशन स्पैन है नहीं, और उसमें जो है शॉर्ट फिल्म सबसे अच्छा मीडियम है। 5 मिनट में मसाला दिख जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है। सो फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉर्ट फिल्म्स, एंड ये रिफ की बहुत अच्छी पहल है कि उसने इस नए मीडियम को पहचाना है और सराहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये शहर शहर पहुँच रहे हैं फिल्म फेस्टिवल, तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिन ऑडियंस से, जिन चाहने वालों से, सिनेमा प्रेमियों से आम जीवन में मिलने का मौका नहीं मिलता, बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता, उनसे एक मिलने का मुलाकात हो जाती है, तो अच्छी पहल है। सिनेमा के लिए अच्छा है, सिनेमा दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रिफ के तमाम आयोजकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रीजनल फिल्में और स्टेट्स की तो काफ़ी चल रही है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट की, राजस्थान की रीजनल फिल्में बहुत लिमिटेड बन पा रही हैं। इसका रीजन सरकार की उदासीनता है। अगर सरकार कोई सब्सिडी दे या उनको कुछ एनकरेज करे तो हमारी रीजनल फिल्में काफ़ी बने और हमारे लोकल टैलेंट को काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिले। पर रिफ ने जिस ढंग से फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस ढंग से मैनेज किया है, और जिस ढंग से लोग आए हैं या एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ दिख रही है, तो ये बहुत अच्छा है। और जयपुर के लोगों को काफ़ी शॉर्ट फिल्में, अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में, नॉर्मल फिल्में, रीजनल फिल्में देखने को मिल रही हैं। मतलब जो न्यू कमर्स हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, तो फेस्टिवल के माध्यम से वो लोगों तक पहुँच रही है, उनकी तारीफ़ हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने आ रहे हैं और उनको आगे मौका मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय सेकंड टाइम। आई वाज हियर लास्ट ईयर, आई वाज गेटिंग द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा, सो दैट वाज लास्ट ईयर, एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इन दिस ईयर आई एम हियर सेकंड टाइम अराउंड एंड आई एम एंजॉयिंग इट। इट वाज ग्रेट लास्ट ईयर, इट्स इवन बेटर दिन दिस ईयर, एंड आई विश सुमेंद्र एंड अंशु ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर एंड मेनी मोर फेस्टिवल्स टू कम। ओके, एज आई सेड इन द पैनल डिस्कशन, I choose my characters according to if I like the character and my role, and there is no difference if it's Marathi, if it's Bengali, or if it's a Bollywood movie. And I had like great experiences with big production houses, and I had great experiences with small production houses. So I think it's the people behind the project, and otherwise I do what I love to do, what I yearn to do, acting. It's my first time in India. My name is Lucia Barata. I am from Brazil, and I'm great. It's a great experience and surprise to be here. I knew that this was a great festival, Rajasthan International Film Festival, but it's going over my expectations. The quality of the movies I'm watching here, and how they treat us, it's sophisticated, they have music, it's really wonderful. And I hope that you people enjoyed here very much my film, that's The Brazilian. It's about Carlinhos de Jesus, one big character in Brazil, dancer, choreographer, artist, and I hope you have the opportunity to watch them in very short time here in India, okay? And please come to the festival. If we still have today and tomorrow, it's an amazing, amazing festival, okay?